नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। अयोध्या सावन का दूसरा सोमवार, जहां हजारों की संख्या में कांवड़ियों ने नागेश्वरनाथ मंदिर में भोलेनाथ के शिवलिंग पर बोलबम की जयकारे के साथ जल चढ़ाते हुए पूजन अर्चन कर हनुमान गढ़ी व राम मंदिर के साक्षी बने। कांवड़ियों ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रशासन को आदेश दिया गया था कि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस आदेश को बड़ी शिद्दत के साथ मनाते हुए मनमाने ढंग से यात्रा पूरी की। वो अलग बात है कि स्थानीय लोगों में नौकरी करने वालों की, छात्रों को और अन्य राहगीरों को भले ही अपने गंतव्य की ओर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किंतु कांवड़ियों को किसी भी प्रकार का सामना नहीं करना पड़ा। वो लोग मौज मस्ती में फकीरों की तरह मदमस्त चलते रहे। इस समय आप अयोध्या में देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे लोगों की भीड़ है, एकत्रित हुई है और लोग कांवरिया लोग आ गए हैं। यहाँ पे अयोध्या में दुकानें सज गई हैं, चूँकि श्रावण मेला भी शुरू होने वाला है अगले 31 तारीख को। इसी 31 तारीख को इतवार से रविवार को जो है श्रावण मेला शुरू होने वाला है और लोगों की दुकानें सज गई हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से लोगों ने तमाम हर प्रकार की दुकानें यहाँ पर सजा रखी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने दुकानें सजाई हैं। और आप देख सकते हैं सबसे अच्छी बात है कि इसमें यहाँ पे बड़ी गाड़ियों को रोक दिया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाने पीने की सामग्री भी है, बच्चों के सामान भी लिए दुकानें खुली हैं। जिस तरह से महिलाएं भी अपने सिंदूर और टिकली की एक आप देख सकते हैं तमाम दर्जनों दुकानें खुली हैं। अयोध्या में इस समय नए घाट लेकर के और अयोध्या के बिरला मंदिर तक हजारों दुकानें खुली हैं और लोगों की आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे दुकान सज चुकी है और लोगों का तांता लगवा ही कांवरिया वाले हैं, जो कि आज इनका जो है और कल भी भीड़ बढ़ा रहे, कल तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी जिसको आप एक देख सकते हैं। आप यहाँ देख हर ये तो दुकानें अस्थाई दुकानें हैं और यहाँ पे देखिए आप चश्मा लगा करके यहाँ पे खोल रखा है और भी तमाम चीज़ हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे लाई की दुकानें खुली हैं जिसकी एक मान्यता आस्था है, लोगों लाई वाई यहाँ से ला के ले जाते हैं। खड़े हैं जहाँ पर हम आप दिखा रहे हैं यहाँ पे कांवरिया वाले आज यहाँ पे सोमवार सावन का जो है दूसरा सोमवार है जहाँ पर कांवरिया लोग यहाँ पर यात्रा करते हैं। तमाम लोग सैकड़ों हजारों की भीड़ है, आप यहाँ देख सकते हैं। जहाँ पर देखिए नजर जाइए यहाँ से लोग जो है सिर्फ कांवरिया दिखाई पड़ रहे हैं, बोलबम दिखाई पड़ रहा है। और इस आयोजन में जो है अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने धीरे धीरे लोगों को आदेश दे रखा है कि उनके कार्य कहीं किसी कार्य का बदलता ना पावे, उनको कहीं कोई तकलीफ ना होने पावे और फूलों की बारिश की जाए। ऐसे कांवरियों की एक घोषणा की बहुत अच्छी चीज सोच है, बहुत अच्छे काम है। योगी जी को इसके लिए बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। लेकिन इसी काम में एक हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर उसका बहुत लोग गलत उपयोग करते हैं, क्योंकि कांवरिया में जो भी श्रद्धालु आते हैं कांवरिया लेकर चलते हैं और भोलेनाथ के यहाँ जल को चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, उसमें से आप समझ सकते हैं कम से कम 60% ज़्यादा 70% एवं जो है वो लोग जो है एक उनका ग्रुप अलग होता है, वो आस्था के भाव से ही आते हैं। किस भाव से आते हैं ये तो प्रशासन सभी जानते हैं कि जिस तरह से वो अभद्रता करते हैं और तमाम प्रकार की छेड़छाड़ करते हैं, प्रशासन उसमें कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि इनकी एक जमात होती है, भीड़ होती है, एक लंबा कावड़ा कारवां होता है जिसके कारण अगर किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने उसे किसी को छेड़ दिया तो उसकी मौत निश्चित है, ये भी सत्य है। क्योंकि जिस तरह से ये लोग अभद्रता भी करते हैं वो कहीं से किसी छिपा नहीं है, लेकिन उन पर एक अंकुश लगाना पड़ेगा कि ये लोग जब वहाँ चलते हैं आप देख सकते हैं कि कांवड़िया वाले तो एक उजागर लेके चलते हैं, एक मान्यता है, एक जो है लोग कामत लेके चलते हैं और तमाम अर्थ में पहले से ऐसा होता था, लोग आते थे आस्था बहुत जाते थे और यहाँ से जितने भी शंकर जी के शिवलिंग हैं, जितने भी उनके मंदिर हैं, मठ मंदिर हैं, वहाँ पे वो आग देते थे। और आप ये देख सकते हैं कि तमाम लोग हजारों लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं और जिस तरह किसी के कंधे पे आप कांवर नहीं देखेंगे, लोग गाड़ियों से आते हैं, जिस तरह से वो अपनी आस्था को प्रकट करते हैं ये आप भी देख सकते हैं। यहाँ से लेकर आप जभी हम इतनी भीड़ होगी जो वहाँ पे रखने की जगह नहीं होगी। और कल जो है कल तो चूँकि एक
ऐतिहासिक पर्व है, कल बहुत बड़ी मान्यता है शंकर जी का है, और वहाँ पे कल जो भीड़ होगी वो तो बहुत ही अथाह भीड़ होगी, उसको रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। लेकिन एक ही चीज़ बस यही होगा कि अगर इन लोगों पर निगाह रखी जाए, किस कैटेगरी के लोग हैं, एक इनको साथ जब चलते हैं आप देख सकते हैं चलते हैं किसी भी पब्लिक को चलने में और समस्याएं आती हैं, जो छात्र चलते साथ जाते हैं उनके साथ तमाम समस्याएं आती हैं, क्योंकि इनको घंटी आप देते रहो, हाथ देते रहो, ये अपने पद से हटने वाले नहीं बल्कि और फैल के चलते हैं। इस पर भी प्रशासन को एक दायरा बनाना पड़ेगा, एक बैरिकेडिंग करनी पड़ेगी, इनका एक दायरा हो, फैल नहीं चल पाए, लोग आने जाने में किसी भी प्रकार की किसी को कोई तकलीफ न होने पावे। इस तरह से अभी हम देख सकते हैं। अब आपको मैं ले चलता हूँ हनुमानगढ़ी, जहाँ पर कांवड़ियों की एक अथाह भीड़ होगी। आप ये देख सकते हैं हनुमानगढ़ी यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इस समय आप हनुमानगढ़ी का स्टेशन में खड़े हैं जहाँ पर हनुमानगढ़ी आपको देख रहा है, और वहाँ भी आज चूँकि सोमवार है और कांवड़िया लोग आए हुए हजार संख्या में, तो इनकी माता शंकर जी वहाँ सर्वे स्नान करते हैं, शंकर जी के जल लेते हैं, हनुमान जी दर्शन करते हैं, तमाम ऐसी जगह पर अपने कार्य को पूरा करते हैं, जो एक आस्था लेके आते हैं, एक मान्यता लेके आते हैं, उसको पूरा करते हैं। लेकिन बस एक साल समस्या आप देख सकते हैं कि एक भी कांवरिया के वालों के पास किसी के पास कांवर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इस बार जो है, क्योंकि ऐसा कभी मैंने नहीं देखा कि लोगों के कंधे पर कांवर होना हो, और आज हमेशा कांवर हुआ करता था, आज किसी कांवरे के पास कांवर नहीं है। देखिए हमारे पास लोग खड़े हुए हैं, क्यों भाई आप कहाँ से आए हैं, कितने लोग आते हैं, लोग नहीं चलना, क्या बात कर रहा है, क्या हुआ, जिनको पैदल निकलता था वो कल ही निकल गए, नहीं बात कल की नहीं है, हम देख रहे हैं अभी जो आज आ भी रहे हैं, तो लोग पहले कांवर लेके आते वो कल तक चलेंगे जिनको पैदल चलना था, अब आज जो आ रहे हैं वो बाइक वाले हैं, सिर्फ बाइक वाले हैं, सिर्फ बाइक वाले, किस आस्था से आ रहे हैं, किस क्या इनका आस्था है, हमने श्रद्धा है, भोलेनाथ भोलेनाथ पूजा चाहने की श्रद्धा है। अच्छा कभी कभी होता है कि आप भीड़ में जब चलते हो और लोग गाड़ी आप देखते हैं, आप लोग किनारे नहीं होते और फैल जाते हो, तो कितनी समस्याएं आती हैं, भैया जो बाहर से आते हैं उनको कितनी दिक्कत होती है, दिक्कत होती है, सही बात है, वो अपनी अपनी समझ है, क्योंकि हमारे सर जी एक अभी आए हुए हैं, सर आप कहाँ जाएँ, आप चंडीगढ़ से आए, अयोध्या में आए हैं, किस उद्देश्य से आए सर, राम मंदिर घूमने आए हैं, क्योंकि सावन का समय है और कांवड़िया चल भी रहे हैं, और हमारे गुरु जी हैं धीरे यादव जी, उनकी कथा भी चल रही है, दोनों चीजें जल्दी जल्दी कथा चल रहा है, तो आपको यहाँ पे कैसा लगा, चूँकि आज भीड़ बहुत है, कांवड़िया बहुत अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है, लोगों की श्रद्धा है, श्रद्धा है, ये देख के पता लगता है कि इतनी श्रद्धा है। क्या नाम सर आपका, गुलशन भाटिया, तो गुलशन भाटिया जी अपनी फैमिली के साथ आए ना, दिखाई सर सभी लोग आए हैं आज यहाँ पे, ये मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, आपके आपके साथ के बहन है, बहन है, ये भी बहन जी है, और बहन है, तो आप ये देख सकते हैं, दिखाई सकते हैं, यहाँ पे लोग आए हैं, बाहर से आए हैं, एक भाव है, उनके दर्शन के लिए आए, तो आपने मंदिर में देखा, हाँ जी देख रहा हूँ, दर्शन किया आपने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, धार की बात क्या है, उसी में होगी, आप कुछ कल्पना कर सकते हैं सर, जिस दिन मंदिर निर्माण हो जाएगा, बहुत जल्दी सर यहीं पे है, 2025 तक समझोगे जी तक हो जाएगा, हो जाएगा, यहाँ की स्थिति क्या होगी, तब आप आएंगे तो समझ बहुत साफ होगी, जैसे मोदी जी ने काशी में किया है, ऐसे ही शहर का हो जाएगा सर, ये सर हो जाएगी, एकदम गलियारा बन जाएगा और बहुत डेवलपमेंट होगी और जिस तरह से अयोध्या में लोग आए, जिस भाव से आए हैं, क्या उनका आपने क्या कर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए सर, वाह सर श्रीवास्तव है आप, तो क्या नाम सर, लाला जी, लाला जी सर, क्या नाम सर आपका, तो सुतुल लाल जी आप बस्ती से आए हुए हैं, तो क्या अभी आप तो अयोध्या में आए, आप क्या कांवड़िया लेकर चले सर, सर आप कांवड़िया लेकर नहीं आए सर, लेकिन कहा करके क्यों हो गया है, तो फिर जा रहे हैं आप लोग, पूरी टीम आए, चलिए मैं भी चलाता हूँ सर,
तो अभी आपने देखा कि एक मृत्युंजय श्रोतों की बस्ती से आए हैं और तमाम लोग आए हैं, आपको कैसा लगा सर यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। इसमें योगी जी ने सर कहा थे कि हम लोगों की वर्षा करेंगे। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। ये इस बार पहला इतिहास में पहली बार हर हर अभी हमारे जो है जिस तरह से इतिहास में पहली बार योगी जी ने फूलों की बारिश से कल्पना की, ऐसा आकार किया उन्होंने, लोगों की इनकी मानव इनकी भावनाओं को समझा और इनके काफ़ी व्यवसाय सुविधा दे रखी है। एक समस्या खाली है, जो यहाँ के कांवरिया आते हैं उनको भी एक जो है दायरे में चलना चाहिए कि यहाँ के लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अयोध्या से नियर शास्त्र। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।